125 सीसी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक 125 सीसी की किंग होंडा एसपी 125 सीसी का ओबीडी 2 बीएसएक्स फेस 2 E20 पेट्रोल वाला वेरिएंट अभी आपके सामने है। ये टोटल एक नया कलर है नए ग्राफिक्स के साथ। इस बाइक में क्या क्या बदलाव हुए हैं, माइलेज कितना देती है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है, नई ऑन रोड कीमत कितनी है, अगर आप इसको लोन पर लेना चाहते हैं तो इसकी लोन ईएमआई और डाउन पेमेंट की भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। तो हेडलाइट में कोई भी चेंजेस यहां पर आपको नहीं किया गया है, बाकी होंडा की बैजिंग है और नीचे में फुल स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है। बाकी जो इंडिकेटर हैं वो आपको थोड़े से फ्लेक्सिबल मिल जाते हैं, जिसमें नॉर्मल हेलोजन बल्ब का यूज किया गया है। अपडेट की बात करें तो भाई अब यहाँ पर आपको एक नया डार्क ब्लू कलर मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश में। और दूसरा, ये जो नए ग्राफिक्स आप देख रहे हैं इसमें लेमन ग्रीन कलर और सिल्वर कलर को अब शामिल किया गया है। पेट्रोल टैंक के काउल के ऊपर में होंडा का क्रोम में 3D में लोगो है। और नीचे वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये भी आपको डार्क ब्लू कलर का मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच आपको मिलेगा। बाकी पेट्रोल टैंक के ऊपर में लेमन ग्रीन कलर, ग्रे कलर और डार्क ग्रे कलर के स्टिकर को शामिल किया गया है। तो दो तो अपडेट ये हो गए। तीसरा अपडेट बाइक का ये है कि जैसा यहाँ पर E20 का स्टिकर लिखा हुआ है, इससे पहले 1 अप्रैल से पहले जितनी भी BS6 बाइक आती थी उनमें 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल डाला जाता था, लेकिन इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल डालने से ये सभी बाइकें चलेंगी जो OBD2 BS6 वाली आ रही हैं। इसी के साथ ही साइड बॉडी पैनल के ऊपर में SP125 का स्टिकर है नई डिजाइन के साथ। यहाँ पर डार्क ग्रे कलर, लेमन ग्रीन और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। ये जो सीट काउल आप देख रहे हैं ये आपको पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है पहले की तरह ही। बाकी यहाँ पर आपको लेमन ग्रीन कलर और ग्रे कलर की पट्टियाँ मिल जाती हैं। बाइक के अगर हम सीट कम्फर्ट की बात करें तो सीट की जो लंबाई है वो काफ़ी ठीक ठाक है, जिसमें दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और इसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है। बाकी पीछे वाला जो ग्रैब हैंडल आप देख रहे हैं ये भी अब आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का मिल जाता है। इस बाइक की जो टेल लाइट है वो आपको वही ओल्ड लुक में हेलोजन वाली मिलती है, जिसमें हेलोजन का छोटा सा बल्ब दिया गया है और दोनों तरफ आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर, नीचे में होंडा का स्टिकर है, एक आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और नंबर प्लेट के लिए आपको एक सेपरेट लाइट भी मिल जाती है। बाकी पीछे वाला जो मडगार्ड है ये भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का दिया गया है। इसके सबसे बड़े और सबसे अच्छे अपडेट की बात करें तो भाई बाइक के पीछे में अब आपको 100x80 सेक्शन का टायर मिलता है 18 इंच के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील के साथ, जबकि पुराना वाला जो टायर था वो आपको कुछ इस तरह की प्रोफाइल का मिलता था। ये है पुरानी वाली बाइक का टायर जो कि 80/100/18 प्रोफाइल का मिलता था। अगर आप इस बाइक को पीछे से देखते थे तो भाई ये जो टायर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला था। तो लोगों की डिमांड के अनुसार कंपनी ने अब इस बाइक के रियर में भी 100x80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर दे दिया है। अब 100 mm होने की वजह से ये जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि और हैवी फील होता है डिजाइन के मामले में। साथ में बाइक के जो सस्पेंशन है ये आपको रेड कलर की स्प्रिंग के साथ हाइड्रोलिक एडजस्टेबल मिलते हैं, जिनको अगर आप चाहें तो वेट या अपनी डिमांड के अनुसार एडजस्ट कर पाएंगे। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, बॉक्स वाले यहाँ पर आपको स्विंग आर्म मिलते हैं। अगला अपडेट इस बाइक का ये है, इसका जो मफलर गार्ड है ये पूरा का पूरा नया मिलता है, पूरा चेंज हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आपको बीच में कटिंग मिलती है। और इसका जो साइलेंसर है ये भी डिजाइन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसा कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको दिखा देता हूँ। ये होंडा सीवी साइन का पहले वाला मॉडल है और सीवी साइन और SP125 दोनों बाइक के जो साइलेंसर थे वो सेम आपको मिलते थे। इसमें आप देख सकते हैं एकदम प्लेन आपको मफलर गार्ड मिलता है जो थोड़ा सा पीछे की तरफ निकला हुआ है और सेंटर में कोई भी कटिंग यहाँ पर नहीं की गई है। इस बाइक के जो फुटपैक्स हैं वो आपको एकदम स्टेबल मिलते हैं, इनको आप ना एडजस्ट कर पाएंगे ना फोल्ड कर पाएंगे। ब्रेक पैड आपको नॉर्मल सा ही मिलता है, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी ये जो कैटलिटिक कन्वर्टर आप देख रहे हैं इसमें कोई भी प्लेट नहीं दी गई है, अगर इसमें प्लेट होती तो काफ़ी अच्छा रहता। किक और सेल्फ दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं और इसके साथ ही इसका कर्व वेट है 117 kg डिस्क ब्रेक में। इसके इंजन और पावर की अगर हम बात करें तो इसमें 123.94 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल BS6 FI इंजन दिया है। ये इंजन
10.8 पीएस की मैक्स पावर देता है 7500 आरपीएम पर और 10.9 एनएम का टॉर्क पैदा करता है 6000 आरपीएम पर। और इसी के साथ ही ये जो बाइक है वो आपको 1 लीटर पेट्रोल में 60 से लेकर 65 के बीच में माइलेज निकाल कर दे देती है अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड में मेंटेन करके चलाते हैं। को खरीदने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी रिलायबल है और बहुत लंबे समय तक चलता है अगर आप इसको प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसमें आधा लीटर भी पेट्रोल डाल दोगे तो भाई इसके FI में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जितनी और कंपनियों के FI में दिक्कत आ जाती है। हालांकि जो बाइक हैं वो 2 लीटर पेट्रोल से जितनी भी FI वाली बाइक आ रही हैं वो स्टार्ट ही नहीं होती हैं, अगर आप इसमें 200-400 ml भी पेट्रोल डाल दोगे तो भाई ये स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब आ जाते हैं बाइक के साइड में और फ्रंट में आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन और आगे वाला जो मडगार्ड है वो देखने में भी काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो मोटाई है प्लास्टिक की वो अन्य बाइक के मुकाबले काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी दोनों साइड में रिफ्लेक्टर और फ्रंट में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ। 80/118 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, सेम यही प्रोफाइल का टायर पहले आपको पीछे वाले व्हील में दिया जाता था। बाकी गियर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है, 5 gear मिल जाते हैं, पहला आगे और 4 gear ऊपर डाले जाते हैं, साथ में साइड स्टैंड इंजन गुडअप सेंसर का भी फीचर्स दिया गया है। इसी के साथ ही ये जो पिलियन वाले फुटबैक्स हैं ये आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं और यहाँ से आप बाइक के टायर प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं। और ये है कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साडीगार्ड लेडी पिलियन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो इसकी जो हैंडल वार है वो आपको मैट ब्लैक कलर की मिलती है। चाबियों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल चाबियां मिलती हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ और इसमें फुल डिजिटल स्पीडोमीटर का सेटअप मिलता है साइड में सेट और यहाँ पर आपको मोड की बटन मिल जाती है और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज स्पीडोमीटर मिल जाता है, घड़ी मिल जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है कि अभी ये जो बाइक है वो पहले गियर में है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको किलोमीटर रेंज देखने को मिलती है, मतलब DT मिल जाता है, डिस्टेंस टू MT मिल जाता है। ऊपर में टर्न इंडिकेटर, साइड स्टैंड की वार्निंग, हेडलाइट, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन की लाइट और ऊपर में यहाँ पर ईको लिखा हुआ है, मतलब ईको इंडिकेटर मिल जाता है ग्रीन कलर की लाइट में। और रियल माइलेज इंडिकेटर का अभी इसमें आपको फीचर्स दिया गया है कि बाइक जिस भी स्पीड में आप चला रहे हैं कितना माइलेज आपको निकाल कर दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35.6 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पर लास्ट टाइम माइलेज इसने यहाँ पर शो किया हुआ है। बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो 107 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिल जाती है। यहाँ पर इंजन किल सेल्फ स्टार्ट, सबसे पहले साउंड भी सुना देता हूँ। ये इंजन का साउंड है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस और फाइनेंस के बारे में। तो होंडा SP125cc ड्रम ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 85,237 रुपये और इस बाइक की ड्रम ब्रेक में ऑन रोड कीमत है अप्रॉक्स में 1,02,000। अगर आप इस बाइक को 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 12 महीने की जो EMI है, जो किस्त है, वो आने वाली है 7,084 रुपये की। अगर आप इसको 24 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 24 महीने की जो 2 साल की जो किस्त है वो आने वाली है 3,835 रुपये की। अगर आप इस बाइक को 36 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 36 महीने की 3 साल की जो किस्त है वो आने वाली है 2,750 रुपये की। और ये है होंडा SP125cc OBD2 BS6 का डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल मैट ब्लैक कलर में। इसकी प्राइस है एक्सोरूम 89,237 रुपीज़, 89,237 रुपये और ऑन रोड कीमत है इस बाइक की 1,06,400 रुपये। दोस्तों अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली आसपास से हैं और अगर आप होंडा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप Cloud9 होंडा 2-wheeler शोरूम मध्यम ग्राम कोलकाता में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट बाइक और स्कूटर मिल जाएंगे OBD2 BS6 अपडेट के साथ।